लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है, जहां बीजेपी ने एमपी की 29 सीटों में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस बार एमपी में लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सतना संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गणेश सिंह को हराने वाले सिद्धार्थ कुशवाहा को उतार दिया है। वहीं भिंड में बीजेपी की संध्या राय के सामने कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को उतारा है। टीकमगढ़ में बीजेपी के वीरेंद्र खटिक के सामने कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को उतारा है। तो वहीं सीधी में राजेश मिश्रा के सामने कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम को उतारा है। देवास में बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी के सामने कांग्रेस ने राजेंद्र मालवीय को उम्मीदवार बनाया है। खरगोन से बीजेपी के गजेंद्र पटेल के सामने कांग्रेस के पोरलाल खड़ते उतरेंगे। तो वहीं बैतूल से बीजेपी के दुर्गादास उइके के सामने कांग्रेस के रामू टेकाम उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने धार से राधेश्याम मूवल और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया है, जहां बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। आगे बीजेपी किसे इन सीटों पर उम्मीदवार बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।